दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमने FZ का टायर कैसे इंस्टॉल किया अपने ट्विस्टर की बाइक में। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और मैं बता दूँ, खाली इसमें FZ का टायर लगेगा बस, नो अदर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। इसका ना तो कोई चासी व्हील हमने मैक व्हील कोई चेंज किया है, बस टायर कोई लगाया है, निकल खोल के रिप्लेस किया है। तो पूरी प्रोसेस देखना आगे कैसी, मतलब मैं बताया खाली कि कैसा लगेगा। तो दोस्तों, अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो ये अपनी ट्विस्टर है, होंडा स्टूडियो ट्विस्टर, जिस पर अपने को फिर FZ का टायर लगाया है। FZ का नहीं, मैं तो बोलूँ दोस्तों, इसमें हमने हॉर्नेट का टायर लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, सक्सेसफुल रहा है ये सफर हॉर्नेट का टायर लगाने का। देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह इसका ये मेडगार्ड देखिए, तो कुछ ये 2.5 इंच का इतना है मोटा, और नीचे टायर देखिए कितना दोस्तों। टायर को मैं ब्रॉड में अगर लेंथ करता हूँ तो ये कुछ 6.5 इंच का टायर है। उसकी कॉर्नरिंग भी देख सकते हो आप कितना बेस्ट, छोटा सा ये टायर है। इसकी कॉर्नरिंग देखिए दोस्तों, इससे रिम पतला होते हुए इसलिए थोड़ा पतला हो गया, इससे 1 इंच शॉर्ट हो जाता है लेंथ में अपना, क्या बोलते हैं, FZ के टायर से। बस बाकी सब तो फीचर होता ही देता है, बाकी एवरेज ना ही गाड़ी को ऐसा है, एवरेज भी फर्क नहीं कर पड़ा, तो अपना सब लेवल ही है। टायर की मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों टायर का साइज़ देखिए दिखिए आपको, ये हॉर्नेट का टायर रहता है दोस्तों 130/70। FZ का टायर देखिए तो 130/60 रहता है, मतलब 10 mm पता ही दोस्तों। छोड़िए दोस्तों, मतलब आपको वही इसमें कोडिंग दिखा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो किसी भी हॉर्नेट के टायर पे, यही रहेगा दोस्तों। हमारे पास भी एक वो एजेट थी, तो उसमें मतलब हमने हॉर्नेट का टायर लगा दिया था, तो फिलहाल दूसरा टायर ख़राब हो गया था। हाँ दोस्तों, टायर रख लेते हो, मतलब उन लोग अभी चेंज करा दिया उसका टायर, FZ का रेड कलर की आपने पहले वीडियो में देख लेंगे, तो उसका चेंज कराया मैंने। तो सोचा फिर ये कुछ मॉडिफाई क्यों नहीं किया जाए, और अपना भी टायर भी था नया, तो इसको हमने बना दिए एक स्पोर्ट बाइक। ये इसकी इतनी अच्छी कॉर्नरिंग होती है, हालांकि डुअल सस्पेंशन है, मगर कुछ इसकी बनावटी इसी की हमको मिल जाती है देखने अच्छी कॉर्नरिंग। ज़्यादा पहले से तो ज़्यादा ही कॉर्नरिंग कर सकता हूँ मैं ना, तो इस पर कोई गाड़ी पे वेट पड़ता है 3-3 लोग को, मतलब अगर कभी आला बैठ गए 3 लोग तो दोस्तों इसमें कोई बाइक में मतलब लोड नहीं पड़ता है कि मोटा चक्का है, और देखने में कितना स्वीट लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए ग्रिप तो ऊपर की घस गई, इसलिए मैंने टायर को लगाया, क्योंकि टायर रोड पे थोड़ा चल जाओ तो काला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखे नहीं कि ऐसे टायर काले हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है कि कहीं से चल के आओ, तो रोड पर टायर बताता है कि कितना अच्छा काला है, कितनी कॉर्नरिंग है, तो सब अच्छा है। और ग्रिप भी ये टकला टायर में दिया जा सकती है, लेंथ थोड़ी ब्रॉड है, मतलब ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये इतना अच्छा मतलब अपने को कंट्रोलिंग देता है। चलो बहुत ज़्यादा हो गया बातें करना, और बताता हूँ कैसे लगा। तो पहले तो आपको एक किसी हॉर्नेट मतलब मोटा टायर चाहिए होगा, और ये 17 नंबर का इसका मतलब वही लगता है, तो उसी साइज का अपने को टायर चाहिए। तो टायर सबसे पहले तो ढूंढ लेना आपको टायर किसी भी FZ और FZ मतलब उसका चल जाएगा किसी का टायर, तो उसको ले जाना है वो उधर अपने अभी टायर और फिल्टर के पास। तो जी दोस्तों, इसको लगाने में उसने मेरे को कहा था बहुत तकलीफ हुई, तो इसको लगाया कैसे हमने कि अभी इसको लगाने में बहुत तकलीफ हुई, मतलब मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये कैसे लगा कि उसको मतलब अच्छे से जैसा अपने नॉर्मल टायर बिठाते वैसे ही बिठाना है, तो करना क्या है कि अभी FZ का टायर देख के सामने वाला पागल हो जाता है कि इतना मोटा टायर इसको कैसे बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, तो उसको आपको पटा के रखना है, सामने वाले को अपने जो जितने पंचर बनाते हैं थोड़ा या पटा लो उसको कि सही टायर लगा दो, क्योंकि FZ का टायर अगर हॉर्नेट का टायर अपने अगर खुला हुआ देख ही रहेंगे तो इतना मोटा दिखाएंगे। We'll be right back.
तो ले लीजिए।